नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो से आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी याद करने की शक्ति है, जो स्मरण करने की शक्ति है, वो 5 मिनट में बढ़ जाएगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली ऐसा वीडियो लेके आया हूँ और इसका प्रूफ आप एंड ऑफ द वीडियो खुद देख लेंगे। मतलब ये आज अभी से 5 मिनट में आप खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे कि आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी याद करने की जो शक्ति है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सी एक्सरसाइज आपको दूंगा। आपको मैं 10 शब्द दिखाऊंगा, आपको 10 शब्द याद करने हैं। 10 शब्दों को याद करके उनको एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में रिपीट करना है। ये आप अपनी तरफ से करिएगा, जब मैं स्क्रीन पॉज कर दूंगा तो उस टाइम पे आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आप कितने वर्ड रिकॉल कर पाते हैं। तो पहला वर्ड है डॉग, एलिफेंट, बैग, रिमोट, पॉकेट, फोन, यूट्यूब, जूस, मनी और बैंक। ये वो 10 वर्ड हैं। इनको आपने याद करना है, उसी सीक्वेंस में याद करना है जिस सीक्वेंस में ये वर्ड अपीयर करे स्क्रीन पे। चलिए याद कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब उनको रिकॉल करिए एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने उनको याद किया था, जिस सीक्वेंस में वो अपीयर किए थे। और क्या आप उनको रिवर्स सीक्वेंस में रिकॉल कर सकते हैं? मतलब अगर कुछ महाधुरंधरों ने उसको एग्जैक्ट सीक्वेंस में रिकॉल कर लिया, क्या आप उसको रिवर्स में रिकॉल कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे आप इतनी जल्दी अपनी मेमोरी को शार्प बना सकते हैं और ये सीक्वेंस या कोई भी वर्ड याद कर सकते हैं। और यहां तो मैंने सिर्फ आपको 10 वर्ड को एग्जाम्पल दिया है। आप यही टेक्निक इस्तेमाल करके 100 वर्ड तक याद कर सकते हैं। और सिर्फ वर्ड नहीं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर है, कुछ भी आपको डेली कुछ काम करना है उसको आप भूल जाएंगे तो आपको याद रखना है वो क्या काम है, ऐसे कोई भी चीज़ आप याद कर सकते हैं इस टेक्निक से और भूलेंगे नहीं, स्मरण शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं विजुलाइज, यानी कि उसको चित्रित कीजिए, एक वर्ड को चित्रित कीजिए और एक्शन उसके साथ एक ऐड कर दीजिए। मतलब जैसे मैंने बोला डॉग, तो डॉग के साथ एक एक्शन ऐड कर दीजिए। मैंने बोला एलिफेंट, एलिफेंट के साथ एक एक्शन ऐड कर दीजिए। तो एलिफेंट को विजुलाइज करिए कि एक एलिफेंट है, वो कहीं पर है और उसके साथ एक एक्शन ऐड कर दीजिए, कुछ कर रहा है, वो चल रहा है या सो रहा है। तो पहला चीज़ ये करना है। दूसरा चीज़, इन वर्ड को सीक्वेंस में एक स्टोरी में जोड़ना है, कहानी में जोड़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैंने कैसे कहानी को जोड़ा। तो मैंने पहला चीज़ बोला कि कुत्ता जो है, जो डॉग है, वो भौंक रहा है। तो मैंने कुत्ते को विजुलाइज करा भौंकते हुए, ये मेरी स्टोरी का स्टार्ट है। उसके बाद आप मेरे साथ ये सोचते रहिए कि पहला वर्ड कुत्ता है, वो भौंक रहा है और वो भौंक किस पे रहा है। तो मैंने ये कहानी जोड़ी आगे कि वो किस पे भौंक रहा है, वो जो एक्शन कर रहा है किस पे कर रहा है, वो एक हाथी पे भौंक रहा है। तो डॉग इज बार्किंग ऑन एलिफेंट। एलिफेंट क्या कर रहा है? अब मैंने बोला एलिफेंट के आगे भी कोई एक्शन जोड़ जाए। एलिफेंट जो है वो चल रहा है, बट उसकी सूंड पे एक बैग टंगा हुआ है। तो ये मैंने कहानी बनाई कि कुत्ता भौंक रहा है एक हाथी पे और हाथी चल रहा है, उसकी सूंड में एक बैग टंगा हुआ है। इस बैग के अंदर एक रिमोट पड़ा हुआ है, ये मैंने आगे की कहानी बनाई। आप भी साथ साथ सोचिए कि बैग के अंदर रिमोट पड़ा हुआ है। वो रिमोट, अब मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा, वो रिमोट मैंने इस्तेमाल किया टीवी के चैनल चेंज करने पे और उसके बाद उसको मैंने अपनी जेब में डाल लिया। तो ये मैंने आगे की कहानी बनाई। और कहानी जो है जरूरी नहीं लॉजिकल कहानी हो, जितनी आप एब्स्ट्रैक्ट कहानी बनाएंगे, जितना आप सेंसलेस कहानी बनाएंगे, उतना ही ईजिली आपको याद रहेगा। तो मैंने बोला कि रिमोट मैंने अपनी पॉकेट में डाला, बट मुझे याद आया कि मेरी पॉकेट में तो मोबाइल भी पड़ा हुआ है, ये मेरा फ़ोन भी मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, फोन निकाल के उसमें YouTube देखना शुरू किया और YouTube देखते देखते मैंने जूस पिया।
अबे जूस मैंने कहाँ से पिया? जूस को पीने के लिए मैंने दुकानदार को पैसे दिए और उससे जूस खरीदा, और ये पैसे मैं बैंक से लेके आया अपने एटीएम से विड्रॉ करके। तो ये मेरा सीक्वेंस हो गया, ये मेरी स्टोरी हो गई है। अब आप अपनी आंख बंद कीजिए और फिर से सोचिए, ये स्टोरी आपको याद है नहीं है? स्टोरी है कि कुत्ता भौंक रहा है हाथी पे, हाथी के सूंड में एक बैग लगा हुआ है, बैग के अंदर एक रिमोट है, और रिमोट से मैंने टीवी चैनल चेंज करके उसको अपनी जेब में डाल लिया। जेब में डालने के बाद मैंने याद आया कि जेब में तो मोबाइल भी पड़ा हुआ है, मोबाइल में मैंने यूट्यूब देखा, यूट्यूब देखते देखते मैंने जूस पिया, जूस मैंने पैसे दे के ख़रीदा और पैसे मैं बैंक से एक्सचेंज करके लाया। तो ये मेरी कहानी है। तो मुझे अब सिर्फ पहली चीज़ याद रखनी, कुत्ता। अब मुझे पूरी स्टोरी याद है, तो क्योंकि मुझे मेरी स्टोरी याद है तो मैं ईजिली बाकी सारी चीज़ें याद रख सकता हूँ। और इसका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप रिवर्स सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। तो आपको इसके लिए जो आखिरी एलिमेंट है उसको याद रखना है। आपको याद रखना है कि आप बैंक में गए थे, तो बैंक आखिरी वर्ड है, आपको याद रखना है। तो आप फिर से सोचिए, आप क्या अपने मन में ये स्टोरी सोचिए, बैंक में क्यों गए थे आप? बैंक में आप गए थे अपने नोट्स लेने के लिए। नोट से आपने क्या किया? आपने नोट से क्या खरीदा? जूस खरीदा। जूस आप कब पी रहे थे? आप जूस यूट्यूब देखते हुए पी रहे थे। यूट्यूब आपने कब देखा? जब आपको पता चला कि आपकी जेब में आपका फ़ोन पड़ा हुआ है। आपको कब पता चला कि फ़ोन आपकी जेब में पड़ा हुआ है? जब आपने टीवी का रिमोट अपने जेब में डालने की कोशिश करी। आपने जेब में क्या डालने की कोशिश करी? आपने जेब में टीवी का रिमोट डालने की कोशिश करी। टीवी का रिमोट आपको कहाँ मिला? वो हाथी के बैग में मिला। बैग कहाँ मिला? हाथी में मिला। हाथी को क्या हो रहा था? उस पर कुत्ता भौंक रहा था। देखिए कितना आसान है, किसी भी चीज़ में सीक्वेंस बना के याद रखना कितना आसान है। आप खुद सोचिए, आप खुद आँख बंद कीजिए और ये स्टोरी याद रखिए, और अब आप बताइए कि आपको वो 10 वर्ड याद है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये एक्सपीरियंस किया साथ साथ मेरे, अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ होते हुए। ये टेक्निक इस्तेमाल करिए अपनी डेली लाइफ में। आपकी जो डेली रिमाइंडर होते हैं, आटा लेना है, चीनी लेनी है, इधर जाना है, उधर जाना है, सबको एक स्टोरी में बांधिए। स्टोरी में एक विजुलाइज करिए कि ये विजुअल है, और एक साथ में एक्शन पॉइंट डालिए। ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल था, कहीं भी यूज़ हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई में यूज़ हो सकता है, बच्चों को अगर आंसर याद नहीं हो रहे तो वहाँ यूज़ हो सकता है। आपको अपने डेली डे टू डे टास्क अगर याद रखें दिमाग के अंदर तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, आपने लाइव एक्सपीरियंस किया अपने मेमोरी को बढ़ते हुए। प्लीज़ इस वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाता रहूँ। धन्यवाद।